उज्ज्वल के खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संचिता शुक्ला। तो ग्रह चक्र में आज हम बात करेंगे मौर्या छठ या जिसे हम कहते हैं सूर्य षष्ठी, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर अपने जीवन से जुड़ी किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हमारे फोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो पंडित जी, आज जैसा कि हमने बताया कि मौर्या छठ है तो उसी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि मौर्या छठ है क्या और इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मौर्या छठ अपने आप में एक बहुत सुंदर सा त्यौहार होता है। हम सभी जानते हैं कि हर मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अमूमन पूजा की जाती है और आज भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि षष्ठी का जो भी पर्व है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि आज प्रातःकाल भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है और छठ की जो पूजा है वो खास तौर से संतान और पारिवारिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो मौर्या छठ, चूँकि आज भगवान गणपति जी का ये पूरा 10 दिवस का पर्व है तो उसमें मौर्या छठ माने गणपति बप्पा को मौर्या भी कहा जाता है, चूँकि वो मोरेश्वर भी हैं तो उनके नाम से भी इस छठ को बोला जाता है मौर्या छठ। तो आप इस षष्ठी को पूजा करें, लेकिन आज खास तौर से षष्ठी माता या षष्ठी की जो पूजा है वो भगवान सूर्य के निमित्त की जाती है। प्रातःकाल यदि आप उठे हो, पूजा अर्चना की हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए भी आप पूजा अर्चना कर सकते हो। पूजा अर्चना की मैं विधि बतला ही देता हूँ कि पूजा अर्चना की विधि क्या होती है। आज के दिन आप एक सुंदर सा लकड़ी का पटा ले लें और उस पर लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए और आप भगवान सूर्य के निमित्त या तो आपके पास सूर्य का यंत्र हो, सूर्य की मूर्ति हो, या षष्ठी माता को आप चाहें तो गोल सुपारी के रूप में भी अपने यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, तो गोल सुपारी के रूप में ले लीजिए। पंचोपचार के साथ आप पूजा अर्चना करिए। पंचोपचार के साथ पूजा अर्चना करेंगे तो बेहद लाभ होगा। आज के दिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी सूर्य की पूजा की जाती है तो मीठा भोजन किया जाता, नमक नहीं लिया जाता। तो आप चाहें तो मीठा भोजन करें या बिना नमक का भोजन करें तो मुझे लगता है कि कई गुना लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, सूर्य सहस्त्र नाम की आज जो है पाठ किया जाता है तो सूर्य सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, मुझे लगता है कि उससे अवश्य लाभ होगा। पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, सोनू है। बहुत बहुत स्वागत है सोनू आपका, सवाल करें, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सोनू जी। हाँ पंडित जी, मैं ये पेड़ पौधों के बारे में पूछना चाहती हूँ। आधा मकान हमारा बना है और आधा खाली है। वहाँ हमने पहले पेड़ पौधे लगा दिए, अब उनको हटाएंगे तो फिर दोष लगेगा। बिल्कुल। और उसके पहले पीपल का झाड़ भी था, वो हमारी बाथरूम में आ रहा था, वो बड़ा हो गया था, वो भी हमने हटा दिया। तो उसके बाद तो हम बहुत परेशान हो गए पंडित जी। तो अब ये अगर हटे और मकान बना तो इसके लिए उपाय आप बता दीजिए। और हमारी माता जी पिछले साल शांत तो हो गए थे, उनके श्राद्ध कब लगाए? अभी 10-11 महीने हुए हैं। अच्छा, 11 महीने हो गए हैं उनके जी, तो कब तक इसका लगा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो पेड़ पौधों का देता हूं। यदि ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको आप एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह, आम के हैं पंडित जी, अनार के हैं, और कि बड़े पेड़ हैं या छोटे पेड़ हैं? बड़े पेड़ हैं या छोटे पेड़? बड़े हो गए वो, और दो तो ज्यादा बड़े हो गए, वो हाथ में भी नहीं आते उनका तना। अरे और बाकी छोटे छोटे हैं, 5-5, 6-6 फीट के। तो देखिए, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि बड़े पेड़ों को आप बिल्कुल भी ना छुए। यदि छोटे पेड़ हैं जिनको बहुत सहजता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं, अर्थात दूसरी जगह जाकर लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। बात आती है पीपल के पेड़ की। घर में पीपल का पेड़ चूंकि आपके बाथरूम को नुकसान पहुंचा रहा था, तो आप क्या करें, उसके निमित्त 5 पीपल के पेड़ आप दूसरी जगह लगा दें। जंगल में जाकर ऐसी जगह लगाएं जहां पर उन पेड़ों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप वहां जाकर इन पेड़ों को लगा दीजिए। मुझे लगता है कि आपने जो पीपल के पेड़ को निकाल कर थोड़ा बहुत नुकसान किया था उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहा था, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, अर्थात पीपल हूँ। तो आप लगा दीजिए, मुझे लगता है उससे आपको आपके को मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होगी।
चले। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंडित जी, हम आज मोरियाई छठ के बारे में बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन जो है सूर्य उपासना का दिन है जी। तो वही एक सवाल ये भी आता है कि इसका व्रत और पूजन किस प्रकार से करनी चाहिए, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, व्रत का पारायण आपको सुबह प्रातः काल से कर लेना चाहिए। प्रातः काल से यदि आप इस व्रत का पारायण करें तो मुझे लगता है लाभ होगा। सबसे पहले तो आप आज के दिन दो चीज़ों का अवश्य पारायण करें। सबसे पहले तो आपको इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, तो नमक आपको किसी भी स्वरूप में नहीं लेना है, तो नमक आप नहीं लीजिए। सूर्य की पूजा विशेष रूप में की जाती है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ एक लोटे में, आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, थोड़े से चावल आप ले लीजिए और एक लाल पुष्प ले लीजिए। बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में सूर्य के दर्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप सूर्य के यंत्र का दर्शन भी कर सकते हैं। सूर्य की कोई प्रतिमा हो तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। यदि वहाँ से भी ना मिले तो आप गूगल से भगवान सूर्य का बहुत सुंदर सा चित्र निकालिए और उसके दर्शन कर लीजिए। तो आप उनके दर्शन करने के उपरांत फिर इस मोरियाई छठ की आप पूजा अर्चना करें, क्योंकि आज के दिन दान का खास तौर से बड़ा महत्व होता है। आज के दिन का व्रत करने से ऐसा माना जाता है जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता था और जो पूरे संसार का भ्रमण करके आता था और आपका यश मान सम्मान पूरे विश्व में स्थापित होता था। तो आज के दिन मोरियाई छठ के दिन आप व्रत करते हैं और सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सुबह प्रातः काल से सायं काल जब तक सूर्य अपने अस्ताचल को ना चला जाए तब तक आप यदि उस व्रत को लगातार करते हैं तो मुझे लगता है आपको लाभ होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी आप स्नान ध्यान करें तो गंगा जल का जरूर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा जल को हमारे शरीर पर छिड़कने मात्र से, आज के दिन खासतौर से छिड़कने मात्र से हमारे सारे पापों से हमको मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। पंडित जी, आज का दिन आपने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्य देव की उपासना करने के लिए, और यूँ तो वैसे सभी जानते हैं किसी न किसी व्रत के बारे में उसकी फल प्राप्ति, लेकिन मोरियाई छठ व्रत जो लोग करते हैं उसकी फल प्राप्ति क्या होती है वो भी बताएं। साथ ही आज का दिन जो है पंचगव्य सेवन करने का भी आज मुख्य दिन है, तो उसे किस प्रकार से सेवन करें और उसका क्या महत्व है वो भी आप हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए आज के व्रत का जो फल होता है वो फल सबसे ज्यादा मिलता है संतान को। यदि आज माताएं अपने संतान के लिए इस व्रत को रखती हैं, पुरुष भी यदि अपने संतान के लिए, ये स्त्री और पुरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं, दोनों के लिए ये व्रत बना हुआ है। देखिए, इस व्रत को करने से सबसे ज़्यादा लाभ संतान को मिलता है। दूसरा फल मिलता है यश मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि सूर्य यश का देवता है। सूर्य हमारे आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो आप यदि आज पूजन करते हैं तो आज नारायण भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आज की पूजा अर्चना करने से नारायण यदि प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी स्वतः आपसे प्रसन्न होंगी, तो धन धान्य की आपको प्राप्ति भी होगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसा आपने कहा पंचगव्य, देखिए आज पंचगव्य का जो है सेवन किया जाता है। पंचगव्य में क्या होता है कि खासतौर से गाय गौमूत्र को लिया जाता है। गौमूत्र के साथ जो है आप उसमें नीम के पत्तों का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे पंचगव्य बनाया जाता है। उसमें थोड़ा सा घी भी डाला जाता है, थोड़ी सी शहद भी डाली जाती है और इस प्रकार से पंचगव्य का निर्माण होता है। और आज यदि आप पंचगव्य का सेवन करते हैं किसी भी समय, खाली पेट आप उसका सेवन करिएगा, तो मुझे लगता है कि आपके शरीर में जितने भी विकार हैं, खासतौर से हमारे शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन सारे विकारों से हमको मुक्ति मिलती है जी। चलिए, तो ये तो आपने बताया कि पंचगव्य का सेवन किस प्रकार से करें, साथ ही इस व्रत को फल प्राप्ति करने वाले लोगों को फल प्राप्ति किस प्रकार से होगी, तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भी पंडित जी ने इसकी पूजन विधि बताई है तो उस हिसाब से आप पूजन करें और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है, सुमन लोधी है विदिशा से। बहुत बहुत स्वागत है सुमन आपका, सवाल करें, क्या जानना चाहती हैं आप जी? सर, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार सुमन जी, मेरा नाम सुमन लोधी है जी। मैं वर्तमान में विदिशा रहवासी हूँ जी। जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका सुमन जी? पंडित जी, मेरी है ना 4 साल से तबीयत बहुत खराब है, 4 साल से मैं लगातार ट्रीटमेंट करा रही हूँ, लेकिन मुझे मतलब मेरी उस हिसाब से मुझे फायदा नहीं लग रहा है जो मैं चाहती हूँ।
यदि सुमन जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकें और समय बता दें तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि कैसे आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। 1869 तो मेरा जन्म तारीख है। 1869 7 अगस्त 1969 1 जुलाई 1969। अच्छा ठीक है, 1 जुलाई 69। कहाँ विदिशा का ही जन्म है आपका? नहीं नहीं झांसी का है जन्म मेरा। अच्छा झांसी का जन्म है, ठीक है जी जी। स्वास्थ्य में क्या परेशानी है सुमन जी बता दीजिए तो मैं उसका हल बता देता हूँ। क्या मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, घुटनों में? ठीक है सुमन जी, एक उपाय बता रहा हूँ आपके घुटनों के लिए जी। एक रत्न आता है जिसको हम नीलम रत्न कहते हैं। आपका चूंकि मकर लग्न मकर राशि का जन्म है और शनि की अशुभ 7:30 ही आपके ऊपर बनी हुई है, और चूंकि आपका लग्नेश शनि है माने आपकी कुंडली के प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो शनि ग्रह है, तो यदि आप एक नीलम रत्न पहन पाए जिसका वजन 7 से 8 रत्ती का हो सुमन जी, मुझे लगता है कि उसको पहनने मात्र से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। चांदी में पहनना है, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आप धारण करिए और शनिवार को सायंकाल 7 से 7:30 के बीच में आप इस रत्न को पहन लीजिए, मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए बहुत बहुत पंडित जी, मेरी राशि तो कुंभ है। नहीं आपकी राशि आती है मकर राशि है सुमन जी, बोलते हुए नाम से कुंभ है लेकिन आपकी जो जिस तारीख को जन्म हुआ है उस तारीख को आपका जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और आपका जन्म मकर राशि में हुआ है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आर्यन है भोपाल से, बहुत बहुत स्वागत है आर्यन आपका, सवाल करें क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी आर्यन नमस्कार। नमस्कार सर जी, पूछें प्रश्न अपना। सर मैं अपने विवाह की जानकारी चाहता हूँ कि मेरी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। अच्छा आर्यन जी अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 9th अक्टूबर 1994। समय बताइए आर्यन जी। 5:30 है मॉर्निंग, सुबह के 5:30। कहाँ का जन्म है आर्यन आपका? सर गुजरात का है मेरा। चलिए आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि कन्या लग्न और वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, बात आती है कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने कुंडली मिलाकर विवाह करें। उसके पीछे दो कारण हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र बृहस्पति बुध और राहु, और अष्टम भाव का केतु कई मामलों में वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा परेशान करता है। तो यदि आप कुंडली मिलाकर विवाह करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका विवाह लंबे समय तक रहेगा। हालांकि आप यदि किसी को प्यार करते हैं तो भी आप कोशिश करिए कुंडली मिलाकर एक शुभ मुहूर्त में यदि आप विवाह कर पाए तो उससे भी आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी ने जो आपको उपाय बताए हैं आप उसको करें, निश्चित ही आपको आपकी समस्या से निजात मिल जाएगी। तो पंडित जी हमारा समय अभाव है तो कार्यक्रम को हमें यही रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, साथ ही दर्शकों की परेशानियों का भी आपने समाधान बताया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो ग्रह चक्र में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।